बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रही हैं। बीते दिनों में मायावती ने कोलकाता मामले, महिला सुरक्षा के मुद्दे समेत आरक्षण के मसले पर बीजेपी सरकार सहित विरोधी दलों को चमकर सुनाया है। अब एक बार फिर से मायावती ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस पार्टी तक को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल उनका ये ट्वीट एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण मामले को लेकर था। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह अति दुखद व चिंताजनक है। इस मामले में मायावती ने एक के बाद एक लगातार 3 पोस्ट किए। मायावती ने आगे लिखा कि इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं हुआ तो यह सोचने वाली बात होगी। पहले माननीय कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित होता है कि बीजेपी का एससी एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके इंडी गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक है। इससे यह फिर से साबित है कि एससी एसटी वर्गों के लिए सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियां व इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तथा इन वर्गों का हित अंबेडकरवादी बीएसपी में ही सुरक्षित। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। मायावती पीएम मोदी और योगी सरकार के साथ लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर भी निशाना साध रही है। अब आरक्षण के मामले में प्रदेश में राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।